मुस्कान बगैर समझे थोड़ी आ सकती है, वो उसकी अभिव्यक्ति है। वो इसी तरह से जो टेक्सचर है, हम कुछ बात करते हैं, मतलब देखो जैसे टेक्सचर, टेक्सचर क्या है? टेक्सचर है सरफेस के ऊपर खुरदरापन, चिकनापन, ज़्यादा उबड़ खाबड़ हिस्सा, जो चिकना हिस्सा होता है सिल्क, सिल्क देखा ना आपने, रेशम, उसका टेक्सचर कैसा है? उसका टेक्सचर कैसा है? शीशा, उसका टेक्सचर कैसा है? उसका अंडा, अंडे का आकार और उसका टेक्सचर कैसा है उसका? तो ये जो चीज़ें हैं ये अभिव्यक्त करती हैं, क्या क्या अभिव्यक्त करती हैं? शालीनता, सुंदरता, जो चिकना हिस्सा है सॉफ्टनेस, वो अभिव्यक्त करती हैं ये चीज़ें। कांटे लग गए, कांटों जैसा लग गया तो आप समझ चुभन होगी, है ना, ये अभिव्यक्त करता है ये चीज़ें, और यही उसकी सुंदरता है जो उसने कह दी बात बगैर बोले कह दी। कलर में भी ऐसा ही है, कलर के अंदर भी ऐसा ही है, जीवन है उसके अंदर। अब ये कहेंगे कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो जो एक्सीडेंट है ये है कि जैसे आप सोचेंगे कि भाई एक्सीडेंट ट्रेन भिड़ गई या बस भिड़ गई या मोटरसाइकिल भिड़ गया, वो बनाना तो बड़ा मुश्किल है, मेरी तो स्टडी नहीं है, और इन चीज़ों को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? सड़क है, कलर फेंक दिया, ऐसे कलर फेंक दिया रेड, मोटरसाइकिल का पहिए का निशान, निशान बना दिया, मोटरसाइकिल में बनाया या गाड़ी के पहियों के निशान बना दिए, ब्लड और पहियों के निशान हो गया ना, एक्सीडेंट अभिव्यक्त हो गया ना। तो ऐसी अभिव्यक्ति है टेक्सचर की, जैसे मैंने बताई, ऐसे रंगों की अभिव्यक्ति है, जैसे किसी ने किसी को गुलाब का फूल दिया, कलर है ना, उसमें फॉर्म है ना, अब वो उसकी अभिव्यक्ति है, वो उसकी सुंदरता है, वो उसका प्रेज है, जिसको आप दे रहे हैं वो उसका मान सम्मान है, समझ गया ना बात को। पेंटिंग भी ऐसी ही है, कलर फॉर्म टोन, टोन टोनल वैल्यू, टोनल वैल्यू जो होती है, रंगत, रंगत क्या है, कलर की रंगत, कलर की जो रंगते हैं वो अपने लेवल पर बहुत कुछ कहती हैं। डार्क कलर दुख का रंग है, गहरा काला रंग दुख का रंग है ना, अंधेरे का रंग है, अंधेरे का रंग है। तो ऐसे मतलब हम अभिव्यक्त करते हैं। व्हाइट, व्हाइट क्या है, रोशनी, रोशनी क्या है, नॉलेज, नॉलेज है ना रोशनी। तो ऐसे मतलब हम अभिव्यक्त करते हैं उस चीज़ को, और उन चीज़ों का स्पेस के ऊपर जब रखा जाता है तो उसका आनंद लेते हैं, उसका निहारते हैं, उसका आनंद कैसे आएगा, जब तक हम निहारेंगे नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक उसकी स्पेस को, बटी हुई स्पेस को देखेंगे नहीं, और उसका जो इफेक्ट आँखों को लग रहा है हमें उसको निहारेंगे नहीं, तब तक हम उसको एप्रिशिएट कैसे करेंगे। तो ये एप्रिसिएशन का पहला नियम है कि उसको देखना, और